औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यार प्यार बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हम भी ठीक हैं बिल्कुल, और खुशबाश हैं, और जो है ना अपने रोज़मर्रा के कामों में बिल्कुल उसी तरह मसरूफ़ हैं जिस तरह के पहले थे। लेकिन मसला ये हुआ था कि अभी काफ़ी दिनों से ना तबीयत नहीं ठीक थी, बुखार था बहुत ज़्यादा और गला भी ख़राब था, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। और मुझे पता है कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सेम ऐसे ही है जैसे कि हम कोई जॉब कर रहे हैं, और मेरे से काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हुई है कि मैंने वीडियो नहीं ना अपलोड की। लेकिन डोंट माइंड प्लीज़, मैं अब जो है ना उस डबल ड्यूटी देके तो अपनी जो है ना जॉब जो है उसको बरकरार रखने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पे देखिए, आज मैंने जो है ना, आज आप लोगों को पता है कि गंदम की कटाई का मौसम है, तो गंदम की कटाई करने के बाद हमने दाने जो है ना वो साफ़ करवा के तो घर में ला के तो धूप लगाने के लिए ना मैंने सारे सेन में फैला दिए हैं, और अभी अकेले ही फैला रही थी, इसलिए जितना जितना मेरे से हो सकता है उतना उतना मैं काम कर रही हूँ। और अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना जो ढेर लगा हुआ है ये भी मैं साइडों पे लगा दूँगी, बिल्कुल स्प्रेड कर दूँगी इसको, ताकि दाने जो है ना वो अच्छे से ड्राई हो चुके हो सके। क्योंकि अच्छे से गंदम जो है ना वो ड्राई करके ही आप ड्रम में डालें तो वो सबसे बेस्ट रहती है, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरा साल जो है ना वो गंदम ड्रम में पड़ी रहती है, तो इसकी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, कोई कीड़ा वगैरह लग जाता है, सूसरी लग जाती है। इस वजह से आप बिल्कुल गंदम को ड्राई करके तो फिर ही ड्रम में डालिएगा। तो ऐसे ही मैंने भी करना है इंशाल्लाह। आज मैंने धूप में डाला है और इंशाल्लाह 3-4 धूप जो है ना वो लगाऊंगी और फिर ही मैं ड्रम में डलवाऊँगी। तो इससे पहले जो है ना गंदम को धूप में अच्छे से मैंने फैला दी है, सारा सेन वगैरह साफ़ किया है, और सेन साफ़ करने के बाद जो है ना फिर गंदम फैलाई है, क्योंकि गंदम माशाल्लाह से बहुत अच्छी साफ़ थी। और हमारे माशाल्लाह से दाने जो है ना वो देखें आप, हमारे दाने भी माशाल्लाह से ऐसी मोटी मोटी गंदम है और साफ़ है, कोई मट्टी भी नहीं है इसमें। तो बस इसमें ना इसको धूप लगाने की ज़रूरत है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है इसकी रोटियाँ भी बहुत मज़े की बनेंगी, वाइट वाइट किस्म की, क्योंकि गंदम को देख के ही ऐसा लग रहा है कि ये इसी तरह की होगी। और इससे ज़्यादा जो है ना, इससे ज़्यादा ये होता है कि वाइट रोटियां जो है ना, जैसे कि मैदे की आटे की रोटियां बनती हैं ना, तो उसके लिए आप गंदम को अच्छी से धूप लगवाएं, अच्छे से ज़्यादा धूप लगवाएं, और किसी अच्छे चक्की वाले से आप आटा पिसवाएँ, तो वो रोटियां जो है ना वो माशाल्लाह बहुत ऐसे वाइट वाइट सी और नरम सी रोटियां बनती हैं। तो मैं ऐसे ही कोशिश करती हूँ हर साल ही, मेरी यही कोशिश होती है कि हमारी गंदम जो है ना बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो करवा के तो फिर ही मैं ड्रम में डालूं। तो अच्छे से चक्की वाले स्पेशलिस्ट से मैं जो है ना वो आटा पिसवाती हूँ, ताकि रोटियाँ जो मज़े की बन सकें। और अभी जो है ना जनाब, मैं ऊपर जा रही थी और ऊपर जाके जो है ना हम उतारेंगे जाले और झाड़ू वगैरह लगाएंगे, क्योंकि ड्रम जो है ना वो ऊपर पड़ा हुआ है और ड्रम को भी हमने वॉश करना है, तो आज वॉश करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि 2 दिन या 3 दिन तक बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो इसलिए मैं ऊपर आई हूँ, कुछ जो है ना सफाई वगैरह करूँगी ऊपर से। तो यहाँ पे ना ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये वाला ऊपर जो शेड है ना इसका, ये नीचे गिरा हुआ है, तो इसको सही करके लगाना है। और ये हमारा ड्रम जो है ना धोने वाला पड़ा है, देखिए काफ़ी गंदा लग रहा है। और अभी मैं माशाल्लाह से इसको ना अच्छे से वॉश करूँगी, पाइप नीचे से लगवा के तो मोटर ऑन करके ना
तो हम इसकी अच्छे से सफाई करेंगे। लेकिन जो है ना, सबसे पहले हम ऐसा करेंगे, जाले उतारेंगे हमारा जो जाले उतारने वाला ब्रश है ना भाई, ये जवाब दे रहा है। ये इधर ड्रम पड़ा हुआ था ना, इस वजह से इसके पीछे से हम जो है ना उतार नहीं सकते थे, तो अब ड्रम उठाया है, इसलिए ये जाले वगैरह जो है ना वो अच्छे नहीं लगते। और वैसे भी आप लोगों को पता है घर में जाले जो है ना वो लगने से पहले ही साफ़ कर लिए जाएँ तो वही बेस्ट होता है। ये मुझे ब्रश जो है ना ये तंग कर रहा है, क्योंकि टूट चुका है ना, इस वजह से ये ऊपर तक नहीं जा रहा। जी यहाँ पे देखिए, मैंने सारे जाले जो है ना जाले जो है ना वो सारे उतार दिए हैं, और ये कॉर्नर जो है ना ये बिल्कुल साफ कर दिए। नीचे से फर्श है धोने वाला, ये अभी इंशाल्लाह फर्श भी धो लेंगे, लेकिन जो ऊपर ऊपर से गंद था ना वो सारा मैंने हाल में से उतार दिया है। और देखिए माशाल्लाह से साफ लग रहा है। ऊपर हमारी जो है ना छत जो है ना ये ख़राब है थोड़ी सी, क्योंकि ऊपर हमने लगाना है ये पत्थर लगाना है सबसे ऊपर वाली छत पे, अभी उसकी वजह से जो है ना नहीं लगाया, तो इस वजह से वो सेम की वजह से हमारा जो ऊपर वाला छत है ना ये ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पे हमने दानों वाला ड्रम जो है ना वो यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे मैंने साफ़ कर दिया है। और ये जो ग्रिल है ना, ये दरवाज़ा है ना इस साइड वाला, ये भी मैं अभी साथ साथ साफ़ कर दूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता है फिर रोज़ रोज़ जो है ना नीचे वाले पोर्शन के इतने ज़्यादा काम होते हैं, और वो ना फिर नहीं हो सकता ऊपर वाला काम इतना। और हेल्पर जो है ना वो इधर मिलती नहीं है, हेल्पर अगर मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है। रोज़ रोज़ हम जो है ना अपने घर की सफाई वगैरह करवाते रहे। क्या करें भाई, बच्चे स्कूल जाते हैं, और नीचे वाला पोर्शन भी मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है अपनी पिछली वीडियोस में, वो भी माशाल्लाह से इतना बड़ा पोर्शन है नीचे वाला सारा, 3-4 कमरे हैं, बड़ा सा हॉल है, और 2 वॉशरूम है और किचन है। जाहिर सी बात है फिर उनको साफ़ करते करते भी सारा दिन लग जाता है, इस वजह से जो है ना ऊपर वाले पोर्शन को साफ़ करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो ये टाइलिंग वगैरह जो है ना ये भी साफ हो ही गई है। जी अब इधर वाली साइड से भी कर लेते हैं, आप लगे हाथों।
चलेंगे। अब वो ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाली खिड़की, उसको मैं साफ करूंगी, नीचे चेयर रख के साफ करूंगी, फिर हम इस दरवाजे को साफ करेंगे। कोई भी जगह है, कोई भी चीज़ है, उसको जब तक हम साफ नहीं करेंगे तो भाई उसका लगाने का भी फ़ायदा नहीं है, और सेकेंडली उसमें शाइनिंग भी नहीं आएगी। तो अक्लमंदी इसी में है कि आप जो है ना साफ किया करें। ये देखिए, ये ऊपर नहीं जा रहा। और ये है जी पुराना डाइनिंग टेबल हमारा, और इसको हमने रखा हुआ है कि इसके ऊपर कुछ चीज़ें वगैरह रख ली जाए, एक्स्ट्रा चीज़ें। ये वाला दरवाज़ा जो है ना, इसको हमने काफ़ी दफ़ा रिपेयर करवाया, लेकिन ये फिर भी वैसे का वैसे ही हो जाता है, शायद बारिश की वजह से। जिन्हें हम पंजाबी में तमूड़ियाँ कहते हैं ना जनाब, तमूड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और वही मैं उतारने की कोशिश कर रही हूँ, और देखें कि कितनी सी रह गई हैं, अभी उतरी नहीं है। कुछ तो उतर ही गई हैं, लेकिन कुछ अभी वैसे ही लगी हुई हैं।
यहाँ से तो उतर ही गई है। चले कुछ तो असर हुआ है। और यहाँ पे देखिए ऊपर वाली खिड़की में देख रही हूँ कि कोई है तो वो भी उतार दूँ। और यहाँ से तकरीबन सारी उतर गई हैं। इस साइड वाली विंडो देख रहे हैं आप। चले जी अब हम आते हैं अपने मेन मकसद की तरफ। हमारा मकसद है जनाब इसको साफ करना है। साफ जो है ना वो एक दफ़ा मैं झाड़ू से वैसे ही साफ कर रही हूँ लेकिन फिर पाइप लगा के और फिर इसको जो है ना साफ करेंगे। चलिए अब नीचे चलते हैं और हमारी वीडियो का आज का मैं करती हूँ इख्तिताम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।